हरियाणा के भिवानी में राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर बहुत बड़ा हमला किया है। हमला करते हुए कहा कि वो बॉक्सर पीएम है जिन्होंने अडवाणी को पंच मारा। राहुल गांधी ने कहा कि वो भी एक बॉक्सर रहे हैं। राहुल गांधी ने वादा किया कि मोदी ने अडवाणी ही नहीं बल्कि कई और नेताओं को पंच मारा है। नरेंद्र मोदी को जो काम करना था, बेरोजगारी से लड़ना था, किसानों की समस्या हल करनी थी, 15 लाख रुपए हर बैंक अकाउंट में डालना था, वो नरेंद्र मोदी ने नहीं। मुझे कहते हैं कमरे में, कहते हैं राहुल जी आप क्या बोल रहे हो? मैंने कहा क्या बोल रहा हूं? कहते ऐसे थोड़ी होता है, गरीबों को सरकार बैंक अकाउंट में पैसा थोड़ी डाल सकती है। मैंने कहा ये कैसे? नरेंद्र मोदी जी ने अनिल अंबानी को 30,000 करोड़ रुपए दिए, 45,000 करोड़ रुपए कर्जा मांग, विजय माल्या को 10,000 करोड़, नीरव मोदी को 35,000 करोड़, मेहुल चौकसी को 35,000 करोड़। अरे हिंदुस्तान की सरकार ने तो दिया है, जापान की सरकार ने थोड़ी दिया, चाइना की सरकार ने थोड़ी दिया, जर्मनी की सरकार ने थोड़ी दिया। चलिए, चुनावी स्ट्रेटजी में हरियाणा गए हैं, भिवानी गए हैं, जहां से बॉक्सिंग का है हॉटबेड है, जहां उन्होंने बॉक्सिंग का हवाला देते हुए और कहा कि लोगों से हम कनेक्ट करेंगे, स्मार्ट स्ट्रेटजी, और ये भी कहा कि देखो गुरु चेले ने गुरु को पीट दिया। बस बहुत स्ट्रॉन्ग कमेंट है ये रोहित चहल, और ये भी भिवानी में जाके कहा है, जहां से दिस इज द हॉटबेड ऑफ बॉक्सिंग, बॉक्सिंग का परचम, देश का परचम बॉक्सिंग अरीना में भिवानी से लहराया गया। वहां खड़े होकर उन्होंने कहा कि देखो मोदी जी ने अपने सीनियर्स को पंच मारा और जनता को जीएसटी और नोटबंदी का पंच मारा। देखिए इस तरीके से उन्होंने अपनी माता जी को, सीताराम केसरी जी को पंच मारते हुए और कांग्रेस ऑफिस से बाहर घसीटते हुए देखा, वो शायद वही बता रहे होंगे। नरसिम्हा राव जी का पार्थिव शरीर जो था वो कार्यालय के बाहर खड़ा था, उसको अंदर नहीं घुसने दिया। देखिए ये सच्चाई है। देखिए सीताराम केसरी जी ने ये किया, कांग्रेस ने वो किया, कांग्रेस ने ऐसा किया, आप बोलते रहिए, लेकिन आज उन्होंने उनकी पार्टी के अंदर यही होता है, अपने संस्कार बता रहे हैं। देखो जो पंच मारा सही मारा, पंच तो जनता मारेगी, पंच तो मारा द्वारा दुष्यंत। अच्छा अच्छा, आप रोहित चहल आप शांत हो जाइए, दुष्यंत नागर बोलिए। इन रोहित को बोल लेने दो, 23 तारीख तक इन्हें बोल दो। मोदी जी ने पंच मारा निवेशक को, जो 25 लाख करोड़ रुपए का निवेश भारत में सालाना आता था, रह गया 9 लाख करोड़ रुपए। अभी तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के अंदर आज देश 144वें पायदान से 77वें पायदान पे आ गया, और जाय बाइक से निकल के पास चेक पॉइंट के अंदर आ रोहित, देखिए बोलने दीजिए, बोलने दीजिए। अच्छा, देखिए अच्छा, रुके, अरे दुष्यंत नागर कहाँ जा रहे हैं? दुष्यंत नागर सामने से देखूंगा भाई, नहीं सामने से बोलने नहीं दीजिए, मैं सामने बैठा, सामने से मत देखिए, सामने देख, जब हमें सुनना ही है तो सामने बैठ के। अच्छा चलिए, कौन कौन सा पंच मारा बोलिए तो सही, आइए। पहला पंच मारा निवेशकों, हाँ देखिए वहाँ लाइट नहीं है और कैमरा नहीं, कोई बात नहीं, मेरी आवाज आ रही है, इनको दिखाओ, इनके चेहरे बड़े बड़े। दुष्यंत आइए, दुष्यंत आइए, दुष्यंत आइए, दुष्यंत आइए, दुष्यंत। अच्छा दुष्यंत, अच्छा मैं आपसे रिक्वेस्ट कर, सुनिए सुनिए सुनिए, इनको बोलने, देखिए 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 देखिए, ऐसा नहीं हो सकता ना कि कोई बोल, कोई और नहीं बोल सकता, रुक जाइए, रुक जाइए, रोहित चहल रुक जाइए, आज रोहित चहल रुक जाइए, संजीव जी रुक जाइए, संजीव संजीव आप नहीं, रुक जाइए संजीव आप, मेरा छोड़ो, दुष्यंत रुकिए, दुष्यंत रुकिए, देखिए अर्थव्यवस्था देश बना, और जाइल बाइक से निकल के फास्टेस्ट गोइंग में आया, अब दुष्यंत ईज ऑफ डूइंग की बिजनेस के अंदर 44वें पायदान से 77वें पायदान पे आया। सच्चाई है, मुझे मत, दुष्यंत नागर घड़ी देख के कभी कभार रुक जाते हैं। मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप आइए जरूर, लेकिन रुके रुके, सुनिए, झूठ बोल रहे हैं, सुनिए सुनिए, 25 लाख करोड़ रुपया भारत में सालाना आता था, ठीक है, तो इनको बताना पड़ेगा कि कहां से आता था। अच्छा रुके, बताना पड़ेगा, रुके, अच्छा रुके, अच्छा रोली जी, एक बताना पड़ेगा। अच्छा अच्छा, संजीव 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 रुके, संजीव रुके, संजीव रुके, सतीश सतीश, अरे संजीव रुके, संजीव रुके, सतीश प्रकाश रोली मिश्रा जी, भिवानी में जाकर पंच लाइन तो बहुत अच्छा मारा, बॉक्सर्स और पंच की बात उन्होंने की, लेकिन अमेठी के नॉकआउट हो रहे हैं इसीलिए मारी, क्योंकि आज तक अमेठी का आज उन्होंने कोई ट्वीट नहीं किया, अमेठी पे कोई बात नहीं की, क्या ये सवाल पूछना गलत है? आनंद जी वो मैदान छोड़ के क्यों आ गए? आनंद जी, पैनल में अकेली महिला होते हुए बड़ी शालीनता से मैं अपने भाइयों को सुन रही थी, और मैं चाहती हूँ कि बड़ी शालीनता से ये सुने
मेरी बात को। और सबसे बड़ी बात जो मैं यहाँ बता देना चाहती हूँ कि उत्तर प्रदेश देश को, ये अच्छा प्लगइन है, साइकिल दिखा रही हैं, नहीं नहीं अच्छा थोड़ा सा उसको घुमा दीजिए, थोड़ा सा दे चलिए। उत्तर प्रदेश इस देश को नया प्रधानमंत्री देने जा रहे हैं, और नया प्रधानमंत्री कौन बनेगा ये बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी मिलकर निर्धारित करने जा रही है। और देखिए राजनीति, कोई खास वजह है कि आप पंच मारने पर कुछ नहीं कह रही? नहीं, मैं पंच मारने पर बोल रही, कोई खास वजह? अच्छा रुकिए, मैं बिल्कुल बोल रही हूँ, मैं बोल रही हूँ कि क्योंकि एक पंच साइकिल ने भी मारा था, सही मौके पर, साइकिल पे आप जो सवार है उन्होंने जो जिनको साइकिल से उतारा वो भी पंच था, समय पर, और पिछले काफी 2017 के चुनाव में वो भी पंच था। भाई दुष्यंत चले गए, अच्छा 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 रुकिए रुकिए, अब अभी आप रुकिए, नहीं नहीं अभी आप रुकिए, रोहित रुकिए, रोहित रुकिए, हाँ जी ने क्या सवाल, सही समय पर उन्होंने जो अपने भाई साहब, एक मिनट मेरी बात सुन लेने दीजिए, नहीं देखिए दुष्यंत जी यहाँ से चले गए। अच्छा अच्छा, देखिए समय समय कम है, समय कम है, रोहित चहल, रोहित चहल, राहुल गांधी के पंच, राहुल गांधी के पंच लाइन को सुन लेते, राहुल गांधी के पंच लाइन को सुन लेते हैं फिर आप काउंटर पंच कीजिए, राहुल गांधी के पंच लाइन को सुन लेते हैं फिर आप काउंटर पंच कीजिए, राहुल गांधी के पंच लाइन को सुन लेते हैं फिर आप काउंटर पंच। पिछले चुनाव में हिंदुस्तान ने रिंग में एक बॉक्सर डाला, नरेंद्र मोदी, 56 इंच की छाती वाला बॉक्सर रिंग में उतरा, नहीं नहीं सुनो अभी वहां जाएंगे, मगर उससे पहले सुनो, 56 इंच की छाती रिंग में उतरा, दूसरे तरफ रिंग में बॉक्सर खड़ा था, कौन सा बॉक्सर था? बेरोजगारी, किसानों की समस्या, भ्रष्टाचार, ये रिंग में नरेंद्र मोदी के सामने खड़े थे। भीड़ में हिंदुस्तान की जनता, नरेंद्र मोदी जी के कोच अडवाणी जी, उनकी टीम, गडकरी जी, पूरे के पूरे सब खड़े, और देश ने कहा चलो भैया बॉक्सर बेरोजगारी से लड़ेगा, किसानों की जो समस्या है उसको ठीक करने के लिए लड़ेगा, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ेगा, जनता की जेब में 15 लाख रुपए डालने के लिए लड़ेगा। बड़ा धूमधाम हुआ, जैसे बॉक्सर अंदर आता है, मतलब लाइटें चमकी, आया रिंग में, आया पहला काम करता है कोच की ओर देखा, अडवाणी की ओर देखा, एक घूसा अडवाणी जी के मुंह में मारा, बड़ा किस तरह की भाषा नहीं है, ये है संस्कार, ये तो पंच लाइन है, बहुत ना 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 ना, देखो देखो भाई, अच्छा रुके, अच्छा रोली रोली जी, रोली जी, रोली जी कुछ कहना चाहते हैं, अरे रोली जी कुछ कहना चाहते हैं, मेरी बात होना बहुत जरूरी है, यही उत्तर प्रदेश जहां नोएडा में आप बैठे, यहां के मुख्यमंत्री जी अभी कुछ दिन पहले कहते हैं कि अगर संविधान नहीं होता तो अखिलेश यादव उनका परिवार गाय भैंसे चरा रहा, तो किसी जमींदार क्या, कल वरुण गांधी बोलते हैं कि सैफई परिवार के लोग उपले और कंडे उगाते हैं, मैं बता देना चाहती हूँ, क्या कह रहे हैं मैं आपको बता आप देना चाहती हूँ, देखिए ये लोग इतनी देखिए सीनियर्स को पंच, देखिए सीनियर्स को पंच, सीनियर्स को पंच मारा का आरोप है, आज की जो साइकिल पे सवार होता है उसी तरीके से वहां पर सवार है, जिस तरीके से सर्कस में होता वही दबाव, राहुल जी ने कोई बात को आएगा मेरा बस क्या, अच्छा रुके 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 रुके, अच्छा रुके, अच्छा रुके रुके रुके, ये लोग देश को डुबोने वाले लोग हैं, सतीश सतीश प्रकाश जी, इनका चाल खराब, इनका चेहरा खराब, अच्छा रुक जाइए, अच्छा रुक जाइए, रुक जाइए, चाल चेहरा चरित्र सवाल है, हां हां सवाल सवाल क्या सवाल क्या है, सवाल क्या है, आम तौर पे हमारी भारतीय संस्कृति में ये माना जाता है, रुके रुके, जो आपका गुरु होगा उसका आप सम्मान करेंगे, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी जो लाल कृष्ण अडवाणी जी के साथ नरेंद्र मोदी जी को, और ऐसे समय में जब अटल जी ने उनको धिक्कारा, अच्छा रुके 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 रुके, अच्छा अच्छा नहीं नहीं बुरा हुआ, मैं क्या मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, सभी अच्छा अरे नहीं हुआ वही बता रहा हूँ, आपसे क्या कह रहा हूँ, अच्छा सुनिए, अखिलेश यादव ने मुलायम सिंह जी के साथ किया, अखिलेश यादव ने शिवपाल जी के साथ किया, अखिलेश जी ने जो शिवपाल जी के साथ किया वही हो रहा है, एक समय ऐसा था जब अटल जी का प्रभाव ज्यादा था, और अटल जी ने अटल जी का प्रभाव था है और रहेगा, पूरे देश भरेगा, पूरे देश भरेगा, आपकी तरह नहीं है, आपकी तरह नहीं है, पूरे रुके रुके रुके, अच्छा रुके अच्छा रुके अच्छा रुके, एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट,
अच्छा एक मिनट, एक मिनट, आपके पास एक कागज है। अच्छा 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 रुके 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 रोहित 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 चैल रोहित चैल रुके रोहित चैल रुके रहे हो। संजीव 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 रोहित चैल रोहित जी एक सेकंड, मुझे दस सेकंड, मुझे दस सेकंड, दस सेकंड दीजिए, दस सेकंड दीजिए। आपके पास अच्छा एक एक मिनट, एक एक मिनट, आपके हाथ में रुकिए 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 आपके, अरे रुकिए अरे रुकिए रुकिए अरे रुकिए, अच्छा रुकिए अच्छा रुकिए अच्छा रुकिए रुकिए। अरे रोली जी ये देखिए, रोली जी ये देखिए, रोली जी ये देखिए, रोली जी रोली जी रोली जी रुकिए रुकिए रुकिए, क्या कर रहे हैं आप लोग, रुकिए। अच्छा ये कागज याद, ये कागज दिख रहा है आपको, दिख रहा है, ये नजारा याद है, अध्यादेश मार दिया राहुल गांधी ने अपने बड़े कप्तान, किसने किसको पंच मारा, अध्यादेश मार दिया लिखा हुआ, अरे किसने किसको पंच मारा था, नहीं दिया किसने किसको पंच मारा था, नरसिम्हा जी का पार्थिव, किसने किसको पंच मारा था, देखिए आपके। अच्छा सुनिए 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 सुनिए, राजनीति में, राजनीति में जैसा बॉक्सिंग, सुनिए सुनिए सुनिए, अरे सुनिए सुनिए, अरे सुनिए सर, अरे सुनिए सर, सुनिए सर, सुनिए सर, रुकिए रुकिए, अरे रुकिए, अरे अच्छा अच्छा आप लोग, अच्छा अच्छा एक मिनट, एक एक मिनट, शांति शांति, रोली जी रोली जी रोली जी, शांति शांति। अच्छा महेंद्र सिंह धोनी, महेंद्र सिंह धोनी जो खुद पंच मारने पर काफी माहिर हैं, भले क्रिकेट भी खेलते हैं और क्रिकेट में भी अच्छा पंच स्ट्रोक लगाते हैं, वो गए हैं वोट करने के लिए। धोनी का मतदान करते हुए विजुअल्स हैं, अपने परिवार सहित सपरिवार गए हैं, उनकी बेटी भी है वहाँ पर, हमने देखे विजुअल्स, अंदर गए काफ़ी सिक्योरिटी के साथ, महेंद्र सिंह धोनी ने वहाँ मतदान किया, वोट किया। देखिए बॉक्सिंग में जैसे राजनीति में होता है, पंच होता है और काउंटर पंच होता है, तो जवाब अच्छा रोली जी, अच्छा रोली जी, हाँ अरे देखिए देखिए आपका आप साइकिल से उतरे तो आप आराम से बोले, आप तब से साइकिल दिखाने में लगी हुई हैं, रख जाए उससे फर्क नहीं पड़ता, जनता का वोट हो गया। अच्छा 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 रुकिए, अब मैं क्या कह रहा हूँ, अब बॉक्सिंग में क्या है, आप डिफेंड तो कर सकते हैं, जब आप पंच कीजिएगा तो दूसरी तरफ से भी आएगा पंच, काउंटर पंच तो, अरे नहीं 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 नहीं, अडवाणी जी की, अडवाणी जी की बात, तो मनमोहन सिंह जी ने पंच मारा, 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 नहीं अच्छा 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 एक बात, नहीं अच्छा एक बात बताइए, आतंकवाद पे भ्रष्टाचार पे पंच मारा मोदी जी ने, नक्सलवाद पे पंच मारा आज, भ्रष्टाचार। अच्छा रुकिए रुकिए रुकिए, आप सब रुकिए, आप सब रुकिए, अच्छा रुकिए, अरे रुकिए 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 रुकिए। अच्छा संजीव एक बात बताइए, संजीव संजीव एक बात बताइए, देखिए देखिए, अच्छा अच्छा रुकिए 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 रुकिए। अच्छा रोहित चहल रोहित चहल रोहित चहल, जिसने भिवानी से भारत का नाम, रुकिए जिसने अरे रुकिए रुकिए, जिसने भिवानी से भारत का नाम रोशन किया, आज वो किसके टिकट से लड़ रहा है, कांग्रेस के टिकट से, आज कांग्रेस के टिकट से लड़ रहा है, पार्टी से लड़ रहा है, देखिए जिसने पाकिस्तान को धूल चटाई, आज वो कांग्रेस पार्टी को भी और आम आदमी पार्टी को, बात कर रहा हूँ क्रिकेट की बात कर रहे हैं, मैं बॉक्सिंग की बात कर रहा हूँ क्रिकेट की बात कर रहे हैं, लेकिन संजीव 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 एक संजीव एक बात है, नहीं नहीं रुकिए रुकिए, इतना तो आप अच्छा पूछने तो, पाकिस्तान बोलने की क्यों जाती है आपको, पाकिस्तान बोल के पूछने तो दीजिए, डर क्यों आता है, आप पाकिस्तान को पूछने तो प्यार क्यों करते हैं, पाकिस्तान को इतना प्यार क्यों करते हैं, पाकिस्तान आतंकवादी उनका रहेगा। अच्छा चलिए चलिए, देखिए पंच काउंटर पंच का ये सिलसिला चलता रहेगा, जहां राहुल गांधी ने आज सुबह से उठकर अमेठी पर एक भी पंच नहीं मारा, पर भिवानी में खड़े होकर प्रधानमंत्री पर प्रहार जरूर किया है, प्रधानमंत्री का काउंटर पंच आता है कि नहीं देखते हैं। हरियाणा में भिवानी से बॉक्सिंग की जुबान बोल रहे हैं राहुल गांधी, और इसी नोट पर हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। अच्छा सास बहू देवरानी हमारी खास पेशकश अब यहां आने वाली है न्यूज 18 इंडिया पर, सबसे बड़ा दंगल ये सिलसिला चलता रहेगा आज दिन भर। नमस्कार।